नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। रेलवे की रफ्तार से लेकर स्टेशनों को चमकदार बनाने तक रेल मंत्री पीयूष गोयल का मंत्रालय लगातार रेल यात्रियों को बेहतर सुविधा देने में लगा हुआ है। जो रेलवे स्टेशन कभी गुटखा पान की पीक से बदबू किया करते थे, वही स्टेशन आज एयरपोर्ट को मात दे रहे हैं। देश के तमाम खूबसूरत रेलवे स्टेशन बेहतरीन लाइटिंग और फर्श की शाइनिंग से इतने बेहतरीन हो गए जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इन खूबसूरत रेलवे स्टेशन की कड़ी में शनिवार को एक और नाम जुड़ गया, पटना रेलवे स्टेशन का, जिसे रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शानदार वेटिंग हॉल की सौगात दी। रेल यात्रियों को अगर किसी वजह से स्टेशन पर रुकना पड़ जाए तो उन्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं हो, इस बात का ख्याल रखते हुए रेलवे ने पटना जंक्शन पर देश का सबसे बड़ा एसी वेटिंग हॉल बनवाया है, जिसका उद्घाटन शनिवार को केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद ने किया। उन्होंने कुछ तस्वीरें ट्वीट करते हुए लिखा, कल पटना जंक्शन पर रेल यात्री सुविधाओं का उद्घाटन किया। वातानुकूलित प्रतीक्षालय और स्वचालित सीढ़ी जैसी कई अन्य आधुनिक जन सुविधाओं के प्रारंभ होने से पटना जंक्शन पर रेल का सफर और आरामदेह होगा। रेल मंत्रालय की ओर से इस वेटिंग हॉल की शानदार तस्वीरें ट्वीट करते हुए लिखा है, पटना रेलवे स्टेशन पर बना आधुनिक सुविधाओं से भरपूर नया वेटिंग हॉल, मधुबनी पेंटिंग से सजा, LED से जगमगाता, मनोरंजन और ट्रेन इन्फॉर्मेशन के लिए डिजिटल स्क्रीन की सुविधा तथा पूरी तरह वातानुकूलित। रेलवे से मिली सौगात पर वेटिंग हॉल में 500 से ज्यादा पैसेंजर्स के बैठने की व्यवस्था है। इसमें महिलाओं का विशेष ख्याल रखा गया है, इनके लिए अलग से ब्रेस्ट फीडिंग रूम बनाया गया है। इस हॉल की खासियत यह है कि AC और लाइट सौर ऊर्जा से संचालित होगा। पटना जंक्शन के मुख्य पोर्टिको से प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पार्सल घर के पास से नया रास्ता बनाया गया है। यहाँ बड़ा एस्केलेटर लगाया गया है, इससे भीड़ को डाइवर्ट करने के लिए दूध मार्केट से नया प्रवेश द्वार बनाया गया है। रेलवे ने पटना जंक्शन के सारे शेड को बदलकर इसे लाल रंग में रंगवा दिया है, जो दूर से ही यात्रियों को आकर्षित कर रहा है। लोग स्टेशन परिसर के नए रंग को खूब पसंद कर रहे हैं। सभी इमारतों और शेडों का रंग एक ही होने से एक अलग पहचान भी बन गई है। जंक्शन के सभी प्लेटफॉर्मों पर ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान की सूचना के लिए नया ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड लगाया जा रहा है। यात्रियों की सहूलियत के लिए ट्रेनों से संबंधित सूचनाओं के प्रसारण के लिए सभी 10 प्लेटफॉर्मों पर 50 से अधिक बड़ी आकार की TV स्क्रीन लगाई गई है। इन पर ट्रेनों की आवाजाही से संबंधित जानकारियां प्रसारित होती रहेंगी। यही नहीं, पटना जंक्शन के सभी प्लेटफॉर्मों पर कोच इंडिकेशन बोर्ड भी लगाए गए हैं। इस बोर्ड से यात्रियों को ट्रेनों में अपने कोच को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले ही उन्हें इसकी जानकारी मिल जाएगी कि उनका कोच कहां लगेगा। इसके लिए 500 से अधिक TV स्क्रीन लगाई गई है, जहां जानकारी अपडेट होती रहेंगी। ट्रेन से आते वक्त कभी यहां आता था तो लगता था बाहर चला जाओ, खड़ा होना मुश्किल, लोग परेशान चिंतित। आज देखिए आप वहीं पर है ना, वही स्टेशन है, वही पटना है, वही पटना के लोग हैं। क्या बदला है? तो दो चीज बदली है, भारत सरकार कैसे काम करती है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, ये बदल गया है, ये इस बात को दिखाता है। दूसरा, आपने जिस पार्टी को जिताया है उस पार्टी का कमिटमेंट है हिंदुस्तान का विकास होना चाहिए, पटना का विकास होना चाहिए। जैसा हमने बताया, ठाकुर जी जो यहाँ के बहुत योग्य DRM है और उनकी पूरी टीम अभिनंदन के पात्र। और एक बात मैं और कहूंगा, अब आपने ऐसे सांसद को चुना है जो एक्टिव MP है, ये मैं कहना चाहता हूं। अभी मैं हरदास बिगा स्टेशन पर, लोगों की मांग थी एक ट्रेन रुकी चाहिए, शटल ट्रेन, उसका उद्घाटन करके आया कि जब पूरा बख्तियारपुर से लेकर सारे स्टेशन है
सबों का हॉल्ट अच्छा हो, सब जगह शेड लगे। नंदकिशोर जी, आपके क्षेत्र में मैं गुलजार बाग से लेके पटना सिटी स्टेशन देख करके आया हूँ। आज 3-4 घंटे से रेलवे के साथ घूम रहा हूँ। ये सिर्फ पटना स्टेशन नहीं, पूरे डिवीजन में विकास हो रही है हमारी कोशिश। और आज आपने देखा डिजिटल इंडिया के माध्यम से टेक्नोलॉजी का हम कैसे प्रयोग कर रहे हैं। और एक बात जो कम बताई गई, जो बिजली खर्चा हो रही है, ये बिजली विभाग से नहीं आ रही है। इस रेलवे के परिसर में जो सोलर प्लान लगा हुआ है, ये उसी की बिजली से एसी चल रहा है और पंखा भी चल रहा है। और आप देखिए कितना खूबसूरत हो गया, इसको हम और ठीक करेंगे। समय बहुत है, ज्यादा तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ बातें ध्यान रखिए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार हिंदुस्तान आगे बढ़े तो विकास भी करती है, सरहद पार से गड़बड़ होता है तो सर्जरी भी करती है, और कश्मीर भारत का अंग है रहेगा तो 370 को समाप्त भी करती है, 3 तलाक को समाप्त भी करती है। इस विश्वास के साथ हम काम करते हैं, करेंगे। अभी नंदकिशोर जी ने एक बात कही, मुझे एक और महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। ये जो हार्डिंग पार्क की जमीन को जो बिहार सरकार ने दिया रेलवे को, उसके आगे में मेरे कुछ संचार विभाग पोस्टल के कुछ क्वार्टर वगैरह है। मुझे DRM साहब ने आग्रह किया था और मैंने अपने विभाग को निर्देश किया है, पटना साहिब के विकास के लिए, पटना के ट्रेड के विकास के लिए इसको हटाने की आवश्यकता है तो हटाया जाएगा, ताकि हार्डिंग पार्क के पास 5 रेलवे प्लेटफॉर्म बन सके। आप दुनिया बात को अभी जितना यहां पर है, और हमारे मीडिया के लोग इस बात को नोट करें कि हम लोग मिलकर काम करेंगे ताकि हार्डिंग पार्क के पास 5 रेलवे प्लेटफॉर्म बन जाए, ताकि और भी ट्रेन वहां पर आए रुके। तो आप समझ सकते हैं पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर, हार्डिंग पार्क, ये मिला करके पटना के लोगों को, और पटना चूंकि बिहार की राजधानी है, यहां के लोगों को कम से कम परेशानी हो, सुविधा हो, तो ये सब हम मिलकर काम करने वाले हैं और करते रहेंगे। रेलवे प्रशासन का फिर अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं आपका सांसद हूं, यहां मैं केंद्रीय मंत्री के रूप में नहीं आता हूं। पटना जब भी मैं आता हूं तो पार्टी का कार्यकर्ता और आपके लोकसभा सांसद के रूप में आता हूं, और ऐसे ही रहूंगा। ठीक है, मैं भारत सरकार का मंत्री हूं, तो रेलवे प्रशासन से मेरा आग्रह है कि जितना मेरी सेवा लेना है लीजिए, ताकि पटना का विकास हो, बिहार का विकास हो, मैं उस पर लगूंगा। अभी आपको मैं इतना ही बता दूं, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब भारत को बदलने के कार्यक्रम है। आपने देखा इस तरह से हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस से, ऐप से, एक डिजिटल इंडिया लोगों को मजबूत करना। अभी जो घोषणा हुई है रेलवे के माध्यम से, आने वाले 4-5 वर्षों में रेलवे के और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए लगभग 50 लाख करोड़ रुपया खर्चा करेंगे। वो राशि बड़ी संख्या में बिहार में भी आए, पटना साहिब में आए, पटना रेलवे डिवीजन में आए, ये हमारी कोशिश होगी, ताकि आप लोग सुखी हो, आपको सुविधा हो, और जब भी आप पटना स्टेशन पर उतरे तो इसकी खूबसूरती देखकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, अपना नाका नहीं बंद करें। विद्वान राम गिपाल जी ने कुछ बात की है यहाँ के दूध वालों की। राम गिपाल जी, मैं भी आपका सांसद हूँ इस क्षेत्र का, ये बात मेरे दिमाग में आई थी। मेरे भी सांसद आपकी है। अच्छी बात है, बड़ी धन्यवाद, अच्छी बात है। हाँ, ये बात सही है, हमारे वोटर है, ये लगते हैं पार्टी मुखला से, मेरे वोटर है सही। तो इन्होंने अभी जो चर्चा की है, तो इसके पहले ही बात मेरे दिमाग में आई थी, या नितिन नवीन बैठे हुए हैं, हम लोगों ने चर्चा की थी, नगर निगम से बातचीत चल रही है, ताकि जो दूध वाले यहां से विस्थापित हुए हैं उनको हम नई जगह पर स्थान दे, इसके लिए बातचीत चल रही है। आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, आप आदमी भी आना चाहिए। DRM साहब, जो बात राम गिपाल जी ने कही, जो हमारे रिक्शा वाले हैं, जो हमारे टमटम वाले हैं, उनके लिए कोने में कुछ रास्ता हो सके, इस बात को जरूर देखें, ताकि
हमारी सरकार गरीबों की भी चिंता करती है, ये चिंता होनी चाहिए और आम जनता की भी चिंता होनी चाहिए। आपसे मेरा अंतिम आग्रह क्या है, ये स्टेशन चमक रहा है। आज मैं उतरा हूं तो ट्रेन से ही पटना से अंदाज मेरा गया था और लौटा था, तो मेरी आंखें हर जगह गंदगी खोज रही थी और आज मैं रेलवे प्रशासन का अभिनंदन करूंगा, मुझे गंदगी नहीं दिखाई पड़ी। मेरा आपसे आग्रह क्या है कि गंदगी ना हो, ये इस बात का। अगर किसी ने केला खाते हुए छिलका या फेंक दिया तो एक बार बुला के खाई दिए, क्या करते हो, ये आपकी प्रॉपर्टी है। किसी साहब ने पान खाते खाते कलाकृति बनाने की कोशिश की दीवार पर, उनको प्रेम से समझाइए, ये जनता की प्रॉपर्टी है, ये किसी सरकार की नहीं है, ये सब आपकी है। तो अगर रेलवे प्रशासन ने अच्छा काम किया है तो हम सभी मिलकर ये काम करेंगे। और मैंने एक बात सोचा है, एक सिनेमा से मैं बहुत प्रभावित हुआ और वो बात मैं आज यहां कहना चाहूंगा, हमारे विधायक लोग भी सुने प्रशासन। एक साहब को एक ही दिन दफ्तर साते समय एक जगह पान का पीक थूकने का बहुत, वो सुनते नहीं थे। तो जो काम वहां की जनता ने किया, एक दिन मैं भी यहां करूंगा आपके साथ, जब वो पीक थूकेंगे तो उनकी सफाई हम लोग सब लोग मिलकर करेंगे उनके सामने, कि आगे आपको और थूकना है तो बता दीजिए, तब वो ठंडे हो जाएंगे। ये स्वच्छता का आंदोलन मोदी जी ने खड़ा किया है। आपने देखा है कि मोदी जी खुद प्लास्टिक बिनते हैं आजकल, देखा ना आपने, प्लास्टिक बिनने वाली गरीब माताओं और बेटियों के साथ मोदी जी मथुरा में सफाई कर रहे हैं। आज रामकृपाल जी, किशोर जी, संजीव चौरसिया, नितिन नवीन, हम लोग सब लोग झाड़ू लगाते हैं, जरा नहीं। मोदी जी का जन्म दिवस है, आपको जानकर खुशी होगी, आज सुबह अमित शाह और नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष दोनों एम्स में झाड़ू लगा रहे हैं। कल मैं जा रहा हूं पटना में पीएमसीएच में, मैं 4 से 5 गरीब मरीजों से मिलूंगा, उनका हाल चाल दूंगा, उनको फल दूंगा, तो साफ सफाई की बात करूंगा। ये जनता का जब विश्वास और सहभाग होता है तो देश आगे बढ़ता है। तो ये आपकी संपत्ति है, इसे साफ रखिए, इसे स्वच्छ रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर जी, आपकी और आपकी टीम को, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और आगे करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।